गया। तो ये जो रंग गोरा करने वाला मसला है, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला इस पे आप समझाती हैं? मैं तो भगा देती हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगी। उसका रीजन ये है कि ये एक इतनी बड़ी नेमत है जो शायद लोगों को अंदाजा नहीं है कि मेलानिन हमारी स्किन में कितना जरूरी है। ठीक है, ये एक चीज है जिससे एक तो आपकी एज प्रिवेंशन होती है, ठीक है। बात दूसरी बात ये कि स्किन कैंसर से बहुत प्रिवेंट करता है। अच्छा, अब जिस मुल्क में हूँ मैं इस वक्त, आई मीन यूके, तो वहां पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग जबरदस्ती अपने आप को टैन कर रहे हैं और ये चीजें कर रहे हैं कि उनकी स्किन कैंसर से वो प्रिवेंट हो जाए, क्योंकि वहाँ हर तीसरे बंदे को ये मसला है। वहां तो सूरज भी नहीं निकलता और बड़े मसले मसाइल हैं। वो डायरेक्ट लगता है क्योंकि इनकी स्किन में मेलानिन नहीं है, दे वेरी फेयर इन कलर, तो वो कलर नहीं है जो स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करे आपको। ये गोरा कॉम्प्लेक्स, तो ये हमारे पास ये और इतने अट्रैक्टिव कलर है हमारा, और वो कहते हैं कि नहीं जी हमें आप सफेद कर दें ताकि हम स्किन हमारी सेंसिटिव हो जाए, हम धूप में जाए और लाल हो जाए और बस ये हो जाए, साफ सुथरी हो स्किन, ये बड़ी जरूरी है। आपके जो दाग धब्बे हैं वो नहीं होने चाहिए। स्किन ब्राइट हो, इवन हो, हल्के ना हो, ये चीजें ना हो, लेकिन गोरा होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर ना कुछ मसले मसाइल और भी बहुत सारे आते हैं। एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जी आप रातों की नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर आपका खाना जो है वो उतना प्रॉपर नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, या तो कम खा रहे हैं या ज्यादा खा रहे हैं। फिर डाइट के नाम पे एक अजीब पागलपन शुरू हो जाता है, एक्सट्रीम डाइट्स हो रही हैं, आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं। कॉफी का मैंने एक डाइट मैंने देखी अभी रिसेंटली, डाइट प्लान हैविंग 6 कप्स ऑफ ब्लैक कॉफी अ डे, दैट इज वो बिल्कुल डिहाइड्रेट कर देगा इंसान को, स्किन आपकी तबाह बर्बाद हो जाएगी। 6 कप ऑफ ब्लैक कॉफी अ डे, कोई डाइट थी कि इसमें आप 10 डेज में 3 किलो कम कर सकते हैं। अच्छा, 6 ब्लैक कॉफीज ओनली, ठीक है, दैट इज ओवर डोज ऑफ कैफीन आपकी बॉडी पे, और वो बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो जाती है। वेरी ट्रू। तो ये चीजें प्लीज प्रिवेंट करें, बस स्मॉल पोर्शन। अच्छा, वो ये वाला भी मसला होता ना कि आप पढ़ते नहीं है, आप जानते नहीं है, आप बस अटैक कर देते हैं कि आपने देखा कोई आपका सामने कुछ शक्ल, अच्छा कोई ऐसे कोई मशहूर हो गया कि भाई ये पहले इस तरह था अब गोरा हो गया है, या ये गोरी हो गई है, पहले तो इतनी गोरी नहीं थी। भाई प्रोडक्ट्स यूज होती हैं, इट्स नॉट अबाउट दोज इंजेक्शंस जिनके बारे में बड़ा मशहूर हुआ है। तो देर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर आप अपना ख्याल करना शुरू करते हैं। फिर ये सन ब्लॉक का मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो स्कूल कॉलेज में बच्चे केयर नहीं करते, नहीं करते इतना, टीनेजर्स में भी नहीं करते, स्पेशली लड़के नहीं करते। हाँ, फिर बहुत सारे लड़के लड़कियां फिर रातों को जाग रहे हैं, फिर वो उनसे कहो कि भाई चूंकि मैं काम करता हूँ बहुत सारे यंग लोगों के साथ, तो मैं उनको कह रहा होता हूँ कि तुम लोग सोते नहीं हो, नहीं फसल भाई हमें तो मजा आता है ऐसे, तो वो तो फलाना ही है। मैं कहता हूँ तुम लोग क्यों अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। रात की नींद है वो दिन की नींद हो ही नहीं सकती, चाहे आप दिन की 12 घंटे भी नींद लें। ठीक है, जो रात का रिपेयर टाइम होता है वो एक टाइम पीरियड कुदरती अल्लाह ने रखा हुआ जिसमें हमारी बॉडी रिपेयर हो रही हो रात में। अगर वो आप रात की नींद नहीं करेंगे और दिन में कहेंगे जी हम 12 घंटे सो रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, फिर एक और जो सबसे बड़ा मसला है लाइबा, वो जो आता है कि कुछ खवातीन हैं जो वेट करती हैं हस्बैंड के आने का, फिर उसके बाद वो खाना खाती हैं। अब हस्बैंड अगर लेट आ रहे हैं तो वो लेट खाना खाना है कोई 11:30 बजे और 12-1 बजे तक सो जाना है या 12 बजे तक सो जाना है। 12 बजे तो आजकल मैं देख रही हूँ कराची के लिए बड़ा जल्दी है। ये तो रमजान में तो खैर नहीं, रमजान में तो लोग सहरी के बाद ही सोते हैं, मैं नॉर्मल डेज में बात कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो वन रीजन कि स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड है लोगों की रमजान में ज्यादा, क्योंकि वो 4-4 बजे तक जाग रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद फिर खवातीन चूल्हों के ऊपर खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है डिहाइड्रेशन का, आपकी कोई स्किन केयर नहीं हो रही है। अब देखिए रोजा तो मुंह का है, फेस पे तो आप अपनी चीजें लगा सकते हैं जो लोग नहीं लगाते हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, और कल मैं हमारे जो उलमा इकराम है उनसे भी पूछा था इसी हवाले से कि आई ड्रॉप्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा चूंकि हमारे पास ऑथेंटिक हदीस मौजूद है इस हवाले से कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप आंखों में दवाई लगा सकते हैं, तो कहते हैं हम इस हवाले से अलाउ कर देते हैं कि आंखों के, लेकिन हाँ अगर आप ऐसे कोई ऊपर लगा रहे हैं स्किन पे तो वो तो कोई इशू नहीं है, वो हलक के अंदर नीचे नहीं जा रहा। बिल्कुल, तो उस पर आप इतना ख्याल कर सकते हैं मेरे ख्याल से। मैं तो लड़कों को भी कहता हूँ कि अपना थोड़ा ख्याल किया करें, लड़के खवातीन तो फिर ख्याल कर लेती हैं। अब ये जो टीनेज बॉयज हैं वो मैंने काफी आते हैं मेरे पास जो पेशेंट्स की उनकी एक्ने हुई होती है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं अभी जरूरत नहीं, अभी 18-19 साल का, अभी कोई दवाई नहीं दे सकते। तो जब तक वो 25 साल का आएगा तब तक स्किन में कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी एक्ने हो जाती है, वो नीचे की स्किन लेयर सारी तबाह बर्बाद हो जाती है,
तब तक फिर हम क्या करें, बहुत लेट हो चुका है। कहाँ क्लिनिक कर रही हैं आप? मैं, I was practicing here in Karachi at Chrysalis previously, but now I'm in UK. अच्छा, अब UK चली गई हैं। UK, लेकिन आऊंगी वापस इंशाल्लाह। आना जाना लगा रहता है। इंशाल्लाह। ठीक है जी। और क्या क्या चल रहा है क्लिनिक में? क्लिनिक में सब कुछ चल रहा है, अल्लाह का शुक्र। बोटॉक्स, फिलर्स, एस्थेटिक्स की सारी ट्रीटमेंट, फेशियल्स, माइक्रो नीडलिंग, पीआरपी, सब चल रहा है। पीआरपी? बड़ा डर लगता है। नहीं, इतना पेनफुल नहीं है, इतना पेनफुल नहीं है। नहीं, वो असल में देखने में बड़ा पेनफुल लगता है। देखने में पेनफुल है, बट इट्स नॉट पेनफुल। इट्स नॉट लाइक दिस, नॉट पेनफुल। बट अगेन, मेरे पास जो पेशेंट्स, आई हैड टू स्पीक अबाउट दिस एज वेल, कि मैंने बहुत सारे, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं, हमें जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं पीआरपी कर लें। आप पहले वो रीजन पता करें कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है, ठीक है, मेन अंडरलाइंग इश्यूज क्या है, ना कि अच्छा मुझे हेयर फॉल है जो पीआरपी करा लें, ठीक है, इस तरह नहीं, ऐसा नहीं है। वजह पता करें। अच्छा, हेयर फॉलिंग के लिए तो स्टेम सेल्स भी आ गए हैं। स्टेम सेल्स, दैट्स मोर एडवांस्ड देन पीआरपी, ठीक है, उसकी परसेंटेज ऑफ वर्किंग इज फार मोर देन पीआरपी। अच्छा जी, उसके ज्यादा बेटर रिजल्ट, ज्यादा बेटर रिजल्ट। थैंक यू लाइबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप कि आप लोगों तक कुछ बात पहुंच गई होगी। थोड़ा अपना ख्याल करें जी, थोड़ा जितना अभी से ख्याल करना, जितने यंग एज से, डॉक्टर लाइबा का ये कहना है कि जितनी यंग एज से आप अपना ख्याल करेंगे उतना लॉन्गर जो है आप अपने आप को सही रख सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए कुदरती भी होता है, लेकिन कुछ लोगों को साथ साथ ख्याल करना पड़ता है। बट थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू। मैं अब आगे बढ़ूंगा प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ, मेरा फेवरेट सेगमेंट है ये। थैंक यू, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट जी। पूरा साल इंतजार था इस रमजान में, 30 दिन, 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश कप। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है, जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा, शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग, रोजाना शाम 7 बजे, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।